आज हम बात करेंगे यहाँ पर पीएलसी अल्टमा के ऊपर। यहाँ पर पीएलसी अल्टमा का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि पीएलसी अल्टमा का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीडली आ रहा है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि पीएलसी अल्टमा का प्राइस कहीं ऐसा ना हो कि ये 0-0 हो जाए। तो हमारे हिसाब से तो पीएलसी अल्टमा का ये जो प्राइस आज यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा $2900 के आसपास, ये मेरे हिसाब से तो ये 0-0 ही दोस्तों मैं यहाँ पर इसको मानता हूँ। क्योंकि इसके ऑल टाइम हाई की हम बात करें पीएलसी अल्टमा की, तो ये $1,00,000+ ये जा चुका था। उससे यदि हम इस प्राइस को कंपेयर करेंगे तो ये उस प्राइस की अपेक्षा तो ये दोस्तों 0-0 ही यहाँ पर नज़र आता है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर PLCUX क्वाइन के लॉन्च होने के बाद से क्या वाकई में PLC अल्टमा का जो प्राइस है वो बढ़ पाएगा? ये बहुत बड़ा हमारे जितने PLC अल्टमा के जो भी निवेशक हैं उनका ये जो सवाल है बना हुआ है। यहाँ पर PLC अल्टमा का प्राइस क्या वाकई में ऑल टाइम हाई तक ये जा पाएगा या नहीं जा पाएगा दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा दोस्तों ये सवाल है। और यहाँ पर जिन लोगों ने ऑल टाइम हाई पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका तो वाकई में दोस्तों इतना बुरा हाल होगा कि हम बयां नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने कम प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा या जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका तो पैसा कहीं ना कहीं जो है वो रिकवर हो गया होगा। बट यहाँ पर जिन लोगों ने रिसेंटली अभी महीने 2 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या उन लोगों का पैसा यहाँ पर रिकवर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को जब तक डर लगता है जब तक कि हमारा यहाँ पर जो कैपिटल अमाउंट है वो निकल के बाहर ना आ जाए तब तक हम लोगों को यहाँ पर जो टेंशन है वो बनी रहती है। यदि हमारा इसमें से कैपिटल अमाउंट निकल आता है तो हमें उतनी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं होती है जितनी ज़्यादा हमारा कैपिटल फंसे होने से होती है। तो वाकई में दोस्तों जिन लोगों ने इस पर ऑल टाइम हाई प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनका तो यहाँ पर कैपिटल निकल पाना असंभव है। और यही कारण है कि आज पीएससी अल्टमा का जो रेट दिन प्रतिदिन यहाँ पर गिर रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो मिंटिंग के जरिए जो लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं। और सेल करने की वजह से ही पीएससी अल्टमा का जो प्राइस है वो स्पीडली यहाँ पर गिर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी पीएलसी अल्टमा का जो नेटवर्क है वो अभी चालू है, यानी इसका अभी जो फॉर्म है उसको भी लोग अभी बाय कर रहे हैं। और अभी हमारा जो PLCUX क्वाइन लॉन्च होगा फाइनली 1 अक्टूबर से, उसके लॉन्च होने के बाद से कितना पीएलसी अल्टमा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है ये देखना अभी बाकी है दोस्तों। यदि ऐसा होता है PLCUX क्वाइन के लॉन्च होने से उसको लोग परचेस करेंगे, उसकी नेटवर्किंग होगी, तो उस हिसाब से यदि PLC अल्टमा का PLCUX से पेयर यानी जोड़ा जाता है तो PLC अल्टमा जो है वो बर्न होगा, और बर्न होगा तो ये इसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, और जब इसकी सप्लाई कम होगी तो मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो क्रिएट होगी। अब दोस्तों यहाँ पर यदि ये पीएलसी अल्टमा अभी आपने देखा कि फिलहाल ये 12 एक्सचेंजों पर ट्रेड कर रहा है, साथ साथ में यदि ये अच्छे अच्छे एक्सचेंजों पर भी लिस्ट होता है तब भी दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको स्पीडली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अकेले PLCUX क्वाइन के लॉन्च होने से इसका जो प्राइस है वो उतना स्पीडली नहीं बढ़ेगा जितना कि इसको बढ़ना चाहिए। इसीलिए पीएलसी अल्टमा के प्राइस को बढ़ाने के लिए इसे अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पर अपने पीएलसी अल्टमा को इतने कम प्राइस पर दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग सेल मत करिए। यहाँ पर आपने देखा कि सेलिंग के जरिए
कितना ज़्यादा पीएलसी अल्टमा का जो रेट है या जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ये नीचे आ चुका है। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप इतने कम प्राइस पर इसे बिल्कुल भी आप लोग सेल मत करिए, इसे आप होल्ड करिए। यदि हमारा लक अच्छा होगा, यदि हमारा गोल्डन चांस अच्छा होगा, तो जैसे ही PLCUX कॉइन लॉन्च होता है और फाइनली PLC अल्टमा के प्राइस में यदि ग्रोथ होती है, तो हमारा यही जो मिंटिंग वाला अल्टमा है दोस्तों, वो वाकई में आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो दे सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।